मम्मी गुस्सा करेगी, इसकी आंखों में आ रहे ना। अब ऐसे करोगे तो आएंगी, तो थोड़े और छोटे कर दो ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी गाइस सुबह 11 बज रहे हैं, अभी अभी जस्ट उठा हूँ मैं। तो आज जैसे ऐसा है, आज जाऊँगा बाल कटवाने के लिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं तो कटवा लूँगा। और पीयूष के भी कटवाने हैं, पीयूष के भी अब स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो स्कूल में छोटे बाल होने चाहिए, तो पीयूष के भी कटवाएंगे, मेरे भी। कुनाल के लिए तो ठीक है, वैसे तो मुझे बड़े बाल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही इधर उधर से आ रहे हैं ना, तो इनको सेट करवा लेंगे, मतलब बड़े रखेंगे लेकिन थोड़े सेट करवा लेंगे। और पीयूष के जो हैं, पीयूष के तो आगे से पूरे रखेंगे, ये तो कटवाएंगे, क्योंकि स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना, तो स्कूल में छोटे बाल ही होने चाहिए। चलो फिलहाल चलते हैं बाहर, ब्रेकफास्ट करते हैं, रेडी होते हैं और फिर चलते हैं बाल कटवाने के। देखना इसके बाल कहाँ तक आ रहे हैं, पूरे यहाँ तक भाई, तेरे होठों तक आ रहे तेरे बाल। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं भाई, इतने तो शायद मेरे भी नहीं आ रहे, देखो मेरे भी सिर्फ यहाँ तक आ रहे हैं, इसके यहाँ तक आ रहे हैं। मेरे ना वैसे लंबे बाल नहीं है, मेरे वैसे घने बाल हैं, मतलब सिल्की से है मेरे। इसको तो पूरा गंजा करवा के आऊंगा आज मैं। आपके हाईवे बना दूंगा, उस तरह चला दूंगा। एक बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, खुद का ब्रश ढूंढना, इतने सारे ब्रश है ना यहाँ पे, एक एक निकाल के देखना पड़ता है। ये रहा, मिल गया फाइनली, आज काफी जल्दी मिल गया, ये तो सारे ऐसे करके लास्ट वाला मेरा होता है यूजुअली। चलो ब्रश करते हैं और फिर खाना खाते हैं। तो आज का खाना बनाया चाची ने हमारे लिए, कढ़ी चावल और हरी सब्जी। उठना चाहिए यार, तेरे को पता है इतना टाइम हो रहा है, बताइयो। सोने का टाइम है यार बेटा, 12 बज गए हैं, बताइयो। ऐसे सोया कि फिर पूरी रात नहीं सोता होगा, देखा ऐसे सोया है। और नीचे और इसको क्यों ले गया तू ऊपर, उठाए। तो भी गाइस साहिल अभी तक नहीं उठा, इसलिए मम्मी जी से उसको डांट पड़ रही है। मुझे क्यों मार रहा है। तो भी गाइस हम दोनों भाई जा रहे हैं बाल कटवाने के लिए, तो चलो। लास्ट टाइम भी पीयूष सर मैंने साथ में बाल कटवाए थे, मुझे याद नहीं था, 2-3 महीने, मैं 2-3 महीने में एक बार बाल कटवाता हूँ। इसकी तो इसको तो गंजा करवाऊंगा मैं, इसके स्कूल स्टार्ट होने वाले ना। अच्छा। वैसे 1 महीना है अभी, या 1 महीने में ट्रिप कर सकते हैं कोई मस्त मस्त राजस्थान चले, राजस्थान लद्दाख अभी खुला नहीं है, राजस्थान चलते हैं। तो राजस्थान वालों हम जल्दी ही आ रहे हैं। तो बाल कटवाने के लिए आए, लेकिन यहाँ बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं, बाय द वे गाड़ी यहाँ पार्क कर दी हमने, तो अब चलते हैं। अब मुझे लग रहा है कि बाल कटवाने के लिए बार बार को घर पे बुलाना पड़ेगा, बिकॉज ऑलमोस्ट 1 घंटा हम लेट हो गए हैं। तो भी गाइस सैलून पे तो आ गए हैं, मैं यहाँ बैठ गया और पीयूष वहाँ पे। ये जो आँखों में आ रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, ये ना। इसका स्कूल वाला लुक कर देना, स्कूल जाने लायक। तो अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं, भैया थोड़ा बिजी हैं, इसके बाद फिर हमारी कटिंग होगी, मेरी और पीयूष की। क्या धो रहे हो इसके बाल, सीधा उस तरह मारते हैं इसके, सीधा उस तरह एक बारी में ख़त्म। तो पीयूष की वॉशिंग तो हो गई है, हेयर वॉशिंग, उसके बाद फिर मेरी होगी। तो अभी गाइस बालों पे लगा दिए क्लिप, यहाँ से अलग कर दिए, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग। इसके ना बाल देखो, ये आँखों में आ रहे हैं। मम्मी गुस्सा करेगी, इसकी आँखों में आ रहे हैं ना, ऐसे करोगे तो आएंगी, तो थोड़े और छोटे कर दो ना। नहीं नहीं, करने चाहिए थोड़े शॉर्ट, थोड़े और छोटे, बड़े हो रहे हैं। ये देखो आँखों में, अरे आप ला रहे हो। तो भी गाइस मेरे बाल तो कट गए, मस्त थोड़े बहुत कटा लिए मैंने, अब देखो हिल नहीं रहे ज्यादा। अभी फिलहाल पीयूष के कट रहे हैं, इसके मतलब आँखों में आ रहे थे, तो मैं दोबारा काटो इसका, जो कि आँखों में नहीं आने चाहिए। मुझे इतना हल्का हल्का लग रहा है ना अब छोटे बालों में, वैसे छोटे तो नहीं है लेकिन फिर भी पहले के हिसाब से तो है ही। थोड़े और, थोड़े और, बस बस, नहीं नहीं थोड़े और। चलो फाइनली पीयूष का भी हो चुका है बाल कटवा के, तो मैं बिल्कुल ही बच्चा लगता हूँ देखो। तो अभी गाइस हम जा रहे थे रास्ते में और हमको दिखे यहाँ पे छोले कुलचे वाले, तो हमसे रहा नहीं गया, हमने रोक ली, तो फिलहाल छोले कुलचे खाते हैं मस्त। गाइस कमेंट कर बताना कि पहले वाले ठीक थे या अब ठीक है। तो अभी गाइस पोपट हो गया, मेरी जो डेनिम जैकेट है वो सैलून पे ही रहेगी, उन्होंने उतरवाई थी वहाँ पे, तो अभी मुझे याद है मैं डेनिम तो डाल के लाया था, मैं वहीं पे रहेगी वो। अब यहाँ से हमको वापस जाना पड़ेगा सैलून और जैकेट लेके आनी पड़ेगी। अरे भाई इसको देख के तो पानी आ रहा है मुँह में। ये जो चीज़ है ना, इसको खाने में जो मजा आता है ना छोले के साथ में, इसका अलग ही सेटिस्फेक्शन है। तो पीयूष के छोले मुझे मिल गए हैं, हमेशा एक एडवांटेज मिलता है उसके हाथ में आने का, उसका बचावा मुझे मिल जाता है। चलो मैं खाऊंगा मस्त। तो खा लिया है, अब चलते हैं वापस सैलून अपनी जैकेट लेने के लिए, बिकॉज वो जैकेट मुझे बहुत प्यारी है, मैंने मुंबई से ली थी। तो फाइनली गाइस अपनी फेवरेट जैकेट आ चुकी है। मम्मी जी लग रहे बाल कटे हुए? थोड़ा 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 थोड़ा। मम्मी तो हमेशा यही बोलेगी थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन कितने सारे लग रहे हैं देखो, पूरे आ रहे थे। तो आते ही पीयूष ने तो नहा लिया, अब मैं भी जाता हूँ नहाने के लिए। तो भैया मैं भी नहा के रेडी हो गया हूँ, और अब हम करने वाले हैं चैलेंज लिविंग 24 आवर्स इन कार। हम तीनों भाई 24 घंटे तक फॉर्च्यूनर में रहेंगे और देखते हैं कौन जीतता है ये चैलेंज, तीनों में से कौन सबसे पहले बाहर निकलता है, किसको सबसे पहले पॉटी आती है या फिर बाथरूम किसको सबसे पहले जाना पड़ता है, देखते हैं। जिसने गाड़ी से बाहर पैर रख दिया वो हार जाएगा। मैं तो सुबह
मैं तो सुबह जल्दी उठ के फ्रेश फ्रेश होके फिर करेंगे चैलेंज। तो 24 आवर्स में जो भी गाड़ी के अंदर बचा रहेगा वो विनर होगा हम तीनों में से। तो देखते हैं कौन जीतता है, वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। अभी तो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी, बिकॉज 24 घंटे वो गाड़ी में रहना है, तो खाने पीने का सामान, रहने का सामान, तकिया, बिस्तर, कंबल वंबल सब हमको लेने पड़ेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, अभी चलते हैं मार्केट, कुछ सामान भी लेना है। तो 24 घंटे तक पूरा गाड़ी में रहने वाले हैं तीनों भाई, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। भाई फोन नहीं होगा किसी के पास? फोन नहीं होगा, नहीं, बिना फोन के रहना है। सिर्फ मेरे पास लैपटॉप होगा एडिटिंग के लिए। मम्मी जी को बता देता हूँ, मम्मी जी कल हम चैलेंज करने वाले हैं, लिविंग 24 आवर्स इन कार। 24 घंटे तक हम गाड़ी में रहेंगे, वहीं सोएंगे वहीं रहेंगे, ठीक है? ठीक है, कहाँ यहीं, लेकिन गाड़ी में रहेंगे। अच्छा। ठीक है तीनों भाई, देखते हैं कौन जीतता है। अच्छा। ठीक है, लाइटिंग बाथरूम डाल दिया, आला है, सुनो बाथरूम तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, गेट खोल के गाड़ी नहीं है। अरे यार सीधा बात है, ये नदी के पास गाड़ी ले जाओ। नहीं नहीं भाई ऐसे नहीं करना, पॉलिथीन पॉलिथीन, हां पीछे वाली सीट का बाथरूम बना देंगे। भाई गाड़ी में कोई कुछ नहीं करेगा भाई, पहले बता रहा हूँ, ना गाड़ी से बाहर ना गाड़ी में, ना जो बदबू फैलाएगा वो एलिमिनेट। एक तो बदबू नहीं फैलानी, गाड़ी में नहीं करना कुछ। तो गाइस इन दोनों को लेके मैं खाना पीने का सामान लेने के लिए इसलिए जा रहा हूँ ताकि ये खाएं, इनको प्रेशर लगे और इनको पॉटी जाने के लिए उतरना ही पड़े। तो थोड़ा दिमाग यूज करते, वैसे भी ये ब्लॉग तो परसों ही आएगा, तो तब तक तो हम वो चैलेंज कर चुके होंगे। क्या लोगे फिर, तू क्या लेगा खाने के लिए? मम्मी खाना तो देगी ना, मम्मी खाना तो देगी, हम ट्रैवल करेंगे मान ले। अच्छा जाएंगे कहीं पे और क्या? ओ भाई ये सोच रहा है गाड़ी एक जगह पे खड़ी रहेगी और उसी में रहेंगे, ऐसे तो ना होगा, ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे, पहाड़ पे चलेंगे, कहीं तो चलेंगे। सो गाइस अभी स्टोर पे तो पहुंच चुके हैं, यहाँ से कुछ माल पानी लेते हैं कल के लिए और गाड़ी में बैठ के चढ़ते जाएंगे। भाई सबसे पहले तो लस्सी ज्यादा भी नहीं लेना भाई। तो गाइस मेरा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है, दोनों के दोनों मस्त लगे हुए हैं शॉपिंग करने में, खाने पीने की। तो हाँ इनका तो काम तमाम होने वाला है कल, अभी वो समझ नहीं रहे कि मैं उनको यहाँ पे क्यों लेके आऊँ इतना सामान लेने के लिए खाने पीने का। खुश हो गए भाई, ये भी लेता हूँ ये भी लेता हूँ। भाई क्या शैम्पू वैम्पू क्यों ले रहे हैं, नहाना थोड़ी ना, वहाँ परफ्यूम क्यों ले रहा है? कपड़ों से बास आती है, क्यों बास है तो बास आएगी, आप भी ले लो, मैं तो लास्ट मिलूंगा। तो गाइस कल मजा आने वाला है, अभी मस्त हमारी शॉपिंग चल रही है कल के खाने के लिए, जो गाड़ी में हम खाएंगे मस्त। तो गाइस इतना कुछ सामान लिया भी इन्होंने, बस करो गलती कर बैठा है, गलती कर डांस क्यों कर रहा है, गलती कर बैठा है। ले भाई, तो भी गाइस अपनी शॉपिंग तो हो चुकी है, पीछे लेके आ रहे हैं दोनों के दोनों, अब चलते हैं सीधा घर। तो भी गाइस डिनर रेडी हो गया, फिलहाल खाना खाते हैं, लेकिन मेरे को डांट पड़ रही है ओरियो की वजह से, बिकॉज मैं बैठ रहा हूँ, मुझे ओरियो बैठने नहीं दे रहा, यहाँ पे बैठने नहीं दे रहा मुझे, बैठने नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ? मैं तो बैठ रहा हूँ, उसको बिगाड़ के रख दिया, मैंने थोड़ा बिगाड़ा है, खुद ही बिगड़ा हुआ है वो। तो भी गाइस ओरियो और मैंने दोनों ने डांट खा लिया, फिलहाल खाना खाते हैं। तो भी सभी आ चुके हैं यहाँ पे डिनर के लिए। मम्मी कल सुबह जल्दी उठा देना हमको, कल हमारा चैलेंज शुरू हो जाएगा ना। चावल देना, मैं नमक के साथ खाऊंगा। रोटी क्यों दे रहे हो? तो पीयूष खाएगा चावल, वो भी नमक के साथ, वाह। तो भी गाइस रात के 10 बज चुके हैं, एडिटिंग कंप्लीट हो गई है, जल्दी कर ली मैंने आज, बिकॉज सुबह जल्दी उठना है, तो मैं जल्दी सोऊंगा अब, ताकि जल्दी से चैलेंज स्टार्ट करेंगे। बाकी प्रिपरेशन हो चुकी है, सामान ले आए थे, और यही कंबल वंबल तो अपने खुद के यही डाल लेंगे, यही तकिया मैं अपने डाल लूंगा, बाकी वो अपने ले आएंगे। तो देखते हैं क्या होगा, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, देखते हैं गाड़ी में मतलब 24 घंटे। तो हाँ काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि ऐसे करो चैलेंज, तो हाँ अच्छा एंटरटेनिंग भी लगेगा, थोड़ा यूनिक भी हो जाएगा कि तीनों भाई कर रहे हैं। देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है, कैसा एक्सपीरियंस है सब कुछ, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही चलेगा पता। फिलहाल मैं इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और बाल देखो इसके, बाल कटवाए नहीं इसने अच्छे से। अबे यार क्या है मम्मी, और पता है और नहीं कटवा रहा था, जबरदस्ती कटवाए इतने भी, वही तो मेन थे आगे वाले, पीछे थोड़ी थे बड़े, यही थे आगे वाले, कटवा रहे हैं किस तरह की गांस निकली, मैं नहीं कर रहा है। This year I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way.